खड़गपुर के नवागत एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने सोमवार को कार्यभार संभाला। एसपी साउथ 2007 बैच के पीपीएस अफसर हैं। मीडिया से बातचीत में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की प्राथमिकता रहेगी, चिन्हित अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा भी दिलाई जाएगी, साथ ही फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं 2007 बैच का पीपीएस अधिकारी हूं और इसी वर्ष जनवरी में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुआ हूं और इससे अभी मैं इससे पूर्व बरेली जोन में स्टाफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त था, वहीं से स्थानांतरित होकर आज मैंने एसपी साउथ जनपद गोरखपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। देखिए, जो कानून व्यवस्था है उसमें जो हमारी निरोधात्मक कार्यवाही होती है क्राइम की रोकथाम के लिए, ताकि अपराध कोई आपराधिक घटना घटित ना हो, उसके लिए जो निरोधात्मक कार्यवाही है वो प्रॉपर की जाए और जो पूर्व के अभियुक्त हैं, जो जमानत से छूटे हैं या जेल से जो रिहा हुए हैं, उनका जो सत्यापन नियमित रूप से कराया जाए और जो गश्त और चेकिंग है वो प्रभावी रूप से की जाए, तो ये सभी व्यवस्थाएं की जाएगी और कानून व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त अच्छा किया जाएगा। चिन्हित बड़े अपराधी हैं, जो चिन्हित अपराधी हैं वो चाहे टॉप 10 के हों या और अभियुक्त हों, उनको एक तो जल्दी शीघ्र जो उनके जो ट्रायल में केस चल रहे होंगे शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा कि उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्यवाही है वो भी अमल में लाई जाएगी और उनका नियमित रूप से सत्यापन भी कराया जाएगा। सर, सर्दी का महीना है, चूल्हे का जो आगरा होता है ऊपर जाता है, उसको किस तरह से रोकथाम की जाएगी? अभी जैसा मैंने बताया है, जो प्रभावी हमारी गश्त और चेकिंग है वो रात्रि में जो भी जितनी गश्त पार्टी निकलेगी चेकिंग के लिए वो अपराधियों के सत्यापन के साथ साथ नियमित रूप से गश्त भी करेगी, जो आउटर के क्षेत्र हैं या जो हमारे चोरी आपराधिक घटनाओं की दृष्टि जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें नियमित गश्त चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग ये सब किया जाएगा और पूर्व के अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर उनको शीघ्र सजा दिलाने के लिए।